अच्छा, जब घर से बेटी विदा होती है ना, तो जहाँ एक खुशी होती है कि बेटी अपने घर जा रही है, वहीं एक जीवन में खालीपन सा रहता है, क्योंकि उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। कुछ ऐसी ही फीलिंग्स होती हैं जब गणेश जी अपने घर जाते हैं। यूँ तो भगवान है और वो 365 दिन हमारे साथ हमारे मन में रहते हैं, लेकिन घर से उन्हें विदा करते हुए ना खुशी तो होती है, लेकिन इतनी सी, बस इतनी सी ना, थोड़ी सी उदासी भी होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह टीवी के सितारों ने किया गणेश जी को मुस्कुराते हुए विदा। शादी के बाद पहली बार भारती ने बप्पा को अपने घर में विराजमान किया है और अब वक्त भी आ गया जब बप्पा को घर से विदाई देनी है। लेकिन बप्पा के विसर्जन के वक्त आज भारती अकेली है, क्योंकि पति हर्ष अपने नए शो में बिजी जो हैं। थोड़ा सा उदास हूँ कि बप्पा चले गए, घर में जो शोर शराबा था वो सब थम गया है। कल बहुत शोर शराबा था, बहुत खुश थे लोग, आ जा रहे थे, हर्ष था साथ में। आज विसर्जन में हर्ष नहीं था क्योंकि वो बिजी है अपने कल के शूट के लिए। सो हर्ष, आपसे कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट। और ए बी बी तो घर का चैनल है, शादी में भी जैसे बड़े बुजुर्ग सर पे रहते वैसे ए बी बी सर पे था। बिल्कुल सही कहा भारती, हर्ष की गैर मौजूदगी में भारती ने ही तो सारा काम संभाला हुआ है। इको फ्रेंडली बप्पा के विसर्जन हुए और फिर भारती ने हमें ये भी बता दिया कि कब वो गुड न्यूज देने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कर लिया कि 2020 में आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं हम लोग। हेल्दी बच्चा हो, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ में इतना वीक हो जाती हैं औरतें कि बच्चे हेल्दी नहीं हो पाते। लेकिन मैंने प्रॉपर सोचा है कि प्रॉपर अच्छे से खाना पीना खाऊंगी, एक ही शो करूंगी और 9th मंथ तक करूंगी। मुझे ऐसा चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट भारती ऐसा पेट के साथ कॉमेडी कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा, और लात मार रहा बच्चा, बहुत सारा फनी मोमेंट्स हो रहे हैं और बच्चा भी कॉमेडी सुने अपनी माँ की, अपने बाप की मेहनत सुने। सो हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत कॉमेडियन टाइप का बच्चा हो, क्योंकि हंसाने वाले बहुत कम है, रुलाने वाले बहुत ज़्यादा है। तो हेल्दी बच्चा हो, फनी बच्चा हो और मस्ती करे। हमारा तो यही कहना है कि बप्पा के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और जल्द ही खुशखबरी आप अपने फैंस के साथ शेयर करें। भारती की ही तरह देवोलीना ने भी बप्पा का विसर्जन अपने घर में ही किया। जांच मंजीरों की आवाज के बीच बप्पा की आरती उतारी, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया और फिर हुई बप्पा की भावभीनी विदाई।
गणेशा ने भी अपने बप्पा का विसर्जन कुछ इसी तरह किया। ज्यादातर कलाकारों का यही संदेश था कि बप्पा का विसर्जन करते वक्त पर्यावरण का ख्याल रखा जाए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह विसर्जन करना, बिकॉज हम हमारे ओशंस को और सीज को पल्यूट नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ डूइंग विसर्जन। आई थिंक हम सबको ऐसा ही करना चाहिए, और अगले साल से तो हम चॉकलेट के गणपति रखेंगे और दूध में उससे विसर्जन करेंगे, और दूध की हम मिल्क शेक बना के सब में बांटेंगे। गणपति बप्पा वर्षा वर्षे। खूब सारी खुशियाँ और आशीर्वाद देकर बापा इस साल तो चले गए हैं, और सबके दिलों में यही मनोकामना रह गई है कि बापा अगले साल जल्दी जल्दी फिर से आना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।